दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीएल के तुरंत बाद ही 17 अक्टूबर से टी20 वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। इस बार टी20 वर्ल्ड कप में एक से बढ़कर एक बल्लेबाज देखने को मिलेंगे। लगभग हर टीम के पास ही बेहतरीन हिटर मौजूद हैं, जो इस वर्ल्ड कप में दर्शकों का खूब मनोरंजन कराते नजर आएंगे और साथ ही गेंदबाजों के लिए भी वे मुसीबत बने हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको टी20 वर्ल्ड कप 2021 में हिस्सा ले रहे 5 ऐसे ही खतरनाक बल्लेबाजों के बारे में बताएंगे, जो इस बार के वर्ल्ड कप में अपने बल्ले से तबाही मचा सकते हैं। दोस्तों, शायद आप भी भारतीय टी20 लीग के लिए काफी उत्साहित होंगे, क्योंकि मैं भी बहुत उत्साहित हूं। लेकिन माई 11 सर्कल हर बार की तरह इस बार भी लेकर आया है आपके लिए खास ऑफर। इस ऐप में आपको वीवीएस लक्ष्मण, सौरभ गांगुली और राशिद खान जैसे प्लेयर के साथ खेलकर 5 गुना तक कैश जीतने का मौका मिलता है। और इस बार माई 11 सर्कल पर 5 करोड़ रुपए का फर्स्ट प्राइज भी मिला है, साथ ही 1500 रुपए का वेलकम बोनस और 20% एक्स्ट्रा डिपॉजिट भी मिलता है। और जीता हुआ पैसा तुरंत आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और ऐप डाउनलोड करो। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पांसिबली एंड एट योर ओन रिस्क। जोस बटलर। दोस्तों, इंग्लैंड का यह विकेट कीपर बल्लेबाज बेहद खास खिलाड़ी है। जब इस खिलाड़ी का बल्ला चलता है तो फिर बड़े बड़े गेंदबाज भी टिक नहीं पाते। बटलर वैसे तो इंग्लैंड के लिए तीनों ही फॉर्मेट में खेलते हैं, लेकिन जिस प्रकार टी20 क्रिकेट में उन्हें खुलकर बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है, तो वे दर्शकों के लिए एक अलग ही पल होता है। बटलर ने अब तक 82 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 139.84 की स्ट्राइक रेट से कुल 1871 रन बनाए हैं, जिसमें 77 छक्के भी शामिल हैं। इंग्लैंड का यह बल्लेबाज इस टी20 वर्ल्ड कप में बेहद खतरनाक नजर आने वाला है। किरोन पोलार्ड। वेस्टइंडीज के कप्तान और बेहतरीन ऑलराउंडर बल्लेबाज किरोन पोलार्ड का भी इस बार जलवा देखने को मिलेगा। पोलार्ड वर्तमान समय में एक अच्छी फॉर्म में भी चल रहे हैं और साथ ही टीम के कप्तान भी बना दिए गए हैं। इस बार वे किसी से रुकने वाले नहीं हैं। अगर यही फॉर्म उनकी टी20 वर्ल्ड कप में भी जारी रहती है तो दर्शकों का मनोरंजन कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पोलार्ड ने अब तक 88 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 137.94 की स्ट्राइक रेट से 1378 रन बनाए हैं, जिसमें 93 छक्के भी शामिल हैं। रोहित शर्मा। हिटमैन के नाम से मशहूर भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा इस बार के टी20 वर्ल्ड कप में बेहद खास नजर आने वाले हैं। इस टी20 वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली कप्तानी छोड़ देंगे और रोहित शर्मा ही टीम के कप्तान होंगे। वह इस टी20 वर्ल्ड कप में अपना 100% देना चाहेंगे, साथ ही वे अपने छक्कों से दर्शकों का खूब मनोरंजन भी कराते हुए नजर सकते हैं, जिस तरह की वे पहले भी कराते आए हैं। रोहित शर्मा जब एक बार चल जाते हैं तो फिर उन्हें रोकना दुनिया के किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं रह जाती। रोहित शर्मा ने अब तक 111 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 138.96 की स्ट्राइक रेट से कुल 2864 रन बनाए हैं, जिसमें 133 छक्के भी शामिल हैं। आंद्र रसेल। दुनिया के सभी गेंदबाजों के लिए काल बनकर सामने आने वाला वेस्टइंडीज का यह ऑलराउंडर बल्लेबाज इस बार के टी20 वर्ल्ड कप में भी नजर आने वाला है। इस टी20 वर्ल्ड कप में रसेल का रवैया बेहद आक्रामक देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। इस बार वेस्टइंडीज की टीम टी20 वर्ल्ड कप जीतने की पुरजोर कोशिश करेगी। रसेल एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो अपने दम पर ही पूरा टी20 मैच पलट सकते हैं। रसेल ने अब तक 62 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 156.33 की शानदार स्ट्राइक रेट से कुल 716 रन बनाए हैं, जिसमें 60 छक्के भी शामिल हैं। रसेल को टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच ज्यादा खेलने को नहीं मिलते, क्योंकि वे अन्य लीगों में और आईपीएल में ज्यादा खेलते नजर आते हैं। डेविड वार्नर। वार्नर टी20 क्रिकेट में बेहद आक्रामक नजर आते हैं, आप उन्हें बखूबी जानते होंगे। जब वे एक बार चल जाते हैं तो फिर गेंदबाज को जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती है। इस बार के टी20 वर्ल्ड कप में भी वे अपने इसी रवैये को अपनाते हुए नजर आएंगे। आईपीएल में आपने उनकी बल्लेबाजी बखूबी देखी होगी और इसी तरह से टी20 वर्ल्ड कप में भी नजर आएंगे। वार्नर ने अब तक 81 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 139.73 की स्ट्राइक रेट से 2265 रन बनाए हैं, जिसमें कुल 89 छक्के भी शामिल हैं। इस बार के टी20 वर्ल्ड कप में अपने आंकड़ों को और बेहतर करना चाहेंगे और गेंदबाजों की श्यामत आ सकती है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जाओ यार और डाउनलोड करो।